हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। माय नेम इज़ प्रतीक नायक एंड मैं भी आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन के लिए आया हूँ, और वो डिस्कशन है रिगार्डिंग दी क्वेश्चन सॉल्विंग इन हिस्ट्री। इनफैक्ट आपकी स्क्रीन के सामने अभी एक या दो प्रश्नों की मैं चर्चा करूँगा। आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट वन और टू क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। मैं चाहता हूँ कि आप ये क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए और बताइए कि हाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ ऑल इंडिया एग्रेरियन प्रोग्राम अडॉप्टेड बाय द कांग्रेस इन 1936। 1936 के अंदर कांग्रेस ने जो एग्रेरियन प्रोग्राम एक्सेप्ट किया था उसमें क्या क्या फीचर्स को इसका पार्ट था। कोऑपरेटिव फार्मिंग, जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करना, 50% रिडक्शन इन रेंट, और तीसरा था टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। इनमें से क्या करेक्ट है आपको पूछा गया है, आप बताइए। 1936 के अंदर कांग्रेस ने एक एग्रेरियन कमेटी बनाई थी, कांग्रेस एग्रेरियन कमेटी। ये कांग्रेस एग्रेरियन कमेटी भारत में इनफैक्ट भविष्य के जो खेती के सुधार थे उसको लेकर चर्चा करेगी। अब आप में से इनमें से बोला गया क्या करेक्ट है, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात हो रही थी, यस, क्योंकि भारत में उस टाइम पे छोटे किसान थे, छोटे किसानों के पास ज़मीनें कम थी। इसके लिए 1936 तक आते आते जब लखनऊ के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ नेहरू जी की अध्यक्षता में, तो ज़रूर से इसकी बात हो रही है। दूसरा यहाँ पे टॉपिक डाला गया है अबोलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम। अब देखिए, कांग्रेस में दिक्कत ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़मींदार थे उनका मानना था कि सरकार जो है वो मेनली उनके हिसाब से काम करे, और सरकार जब उनके हिसाब से काम करवाने की बात करेंगे तो ये लोग चाहते थे कि भाई ज़मींदारी सिस्टम है रहनी चाहिए, पर ज़मींदारी के अंतर्गत जो रेंट लिया जा रहा है किसानों से वो कम लेंगे, क्योंकि ज़मींदार इनफैक्ट खुद मालिक हुआ करते थे ज़मीन के, एंड दे यूज टू टेक द रेंट फ्रॉम द पीजेंट, उसको यहाँ पे रिडक्शन करने की बात हो रही है। तो पहला करेक्ट है, दूसरा आप देखोगे तो गलत होगा, तीसरा करेक्ट है, और एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्सेस लगवाया और उसको ऊपर हटाने की बात हो रही, क्योंकि ब्रिटिश काल में टैक्सेस बहुत इम्पोज होते थे। आपने पढ़ा होगा कि अलग अलग प्रकार के रेवेन्यू को लेके फिर इशू भी हुए हैं। तो कांग्रेस ने जब एग्रीरियन प्रोग्राम की अपनी रचना की तो फिर डिसाइड किया कि हम ये तीन मुद्दे के ऊपर चलेंगे। तो ये तीनों के तीनों जो राइट ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है वो है ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4, एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आप लॉजिक से लगाएं, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 आर कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर, है ना। तो इसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एंड यही आपका राइट आंसर के रूप में निकल के आया। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको, यहाँ पे चार स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से क्या सही है सर, है ना। एक स्टेटमेंट दिया गया है कि ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू स्टार्ट स्कूल फॉर अनटचेबल्स, अनटचेबल कम्युनिटी के लोगों के लिए स्कूल की शुरुआत की। He was the pioneer of the widow remarriage. Widow remarriage को लेके उन्होंने यहाँ पे काफी प्रयत्न किया, विधवा पुनर्विवाह कहते हैं हिंदी के अंदर। His social work was confined mainly to महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र के साथ जुड़े हुए थे। And he also started girls school in Pune. वो पुणे के अंदर यहाँ पे गर्ल्स स्कूल की शुरुआत करते हैं। वो कौन थे इनमें से, अम्बेडकर, विष्णु परशुराम शास्त्री, महादेव गोविंद रानाडे और ज्योतिबा फुले। अब आपको इनमें से आइडेंटिफाई करके बताने हैं कि ये कौन हुआ करते थे, इनके महानुभाव के बारे में बताइए। हु वॉज द सोशल रिफॉर्मर, है ना। अब आप देखिए कि विडो रीमैरिज की चर्चाएं कब होती है, 1850s के दशक में होगी, और 1850s का दशक भारत के अंदर बहुत ही मैं कहूँगा वॉलेटाइल था, क्योंकि बंगाल के अंदर भी विधवा पुनर्विवाह को लेके इनफैक्ट चर्चा चल रही थी ईश्वरचंद्र विद्यासागर के साथ। अब इनमें से कौन से रिफॉर्मर 1850s के दौर में एक्टिव थे, आंबेडकर बहुत बाद में आए, रानाडे साहब थे, परशुराम शास्त्री थोड़े बाद में आते हैं, नेशनलिज्म और सोशल रिफॉर्म्स की बात करेंगे, एक तो आपको लिंक मिल जानी चाहिए। उसके साथ साथ विडो रीमैरिज के साथ साथ चाइल्ड रीमैरिज की भी बात थी, चाइल्ड मैरिज की, क्योंकि वो बाल विवाह भी होता था उसका भी प्रश्न था सोशल रिफॉर्म्स को लेके। गर्ल्स एजुकेशन को लेके इनमें से एक महाशय ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले काम करना शुरू किया था, और वो थे महात्मा ज्योतिबा फुले। सावित्रीबाई फुले इनकी वाइफ थी, और इनके साथ मिलके इन्होंने पुणे के अंदर सबसे पहले वुमेन एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन के लिए स्कूल खोली थी। 1848 का दशक था, 1848 का पीरियड था तब ये गर्ल्स एजुकेशन की शुरुआत की जाती है बाय ज्योतिबा फुले। एम जी रानाडे 1860s के दौर में काफ़ी एक्टिव हुए, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जैसी बॉडी बनाई थी। अम्बेडकर तो 20th सेंचुरी में थे, यहाँ पे फर्स्ट इंडियन की बात की गई है, पहले भारतीय थे, है ना। तो ये महाराष्ट्र में चारों के चारों आप देखोगे तो ऐसे तो महाराष्ट्र के साथ ही जुड़े हुए दिखेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, है ना। बट आपको यहाँ से लिंक मिल जानी है कि पहले इंडियन है, गर्ल्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं, गुलामगिरी करके आपको पता होगा एक बुक लिखी जाती है, और साथों साथ ज्योतिबा फुले एक संस्था बनाएंगे जिसका नाम था सत्य शोध समाज। तो इस प्रकार के बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हो
तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए ये संडे को 19th of September 11 बजे, जहाँ पे आपको 56 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे 60 मिनट्स के अंदर। और ये अगर आप अच्छा स्कोर लेके आते हो तो आपको अनअकैडमी की तरफ से सब्सक्रिप्शन फ्री मिला जाएगा। आपको 10 करोड़ रुपीज़ की स्कॉलरशिप टोटल अवेलेबल करवाई जा रही है। तो इफ़ यू स्कोर गुड रैंक ऑन दी अनअकैडमी कॉम्बैट एग्जामिनेशन, ये फ्री की स्कॉलरशिप एग्जाम है, याद रखेगा। इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं करने हैं, कुछ भी नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। और जब सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो ये कोड को ज़रूर से यूज़ करिएगा, PN Live, या आप जब भी इनफैक्ट कॉम्बैट को भी अटेंड करोगे तो आपको यही कोड को यूज करना है, PN Live। तो ये फ्री का है, आपको कोई इसके लिए कोई चार्जेस नहीं देने हैं। इट्स अ स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, याद रखेगा। ये हम लोग आपकी तरफ से लेके आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप पढ़ाई करें, हम चाहते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो। और आप ये यहाँ पे लाइव टेस्ट को अटेम्प्ट करिए, आपके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी प्रकार की टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। ज़रूर से जुड़िए, अनअकैडमी एप्लीकेशन के ऊपर डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करिए। अगर आपका रैंक अच्छा नहीं भी आता है तो आपकी प्रैक्टिस होगी और आपका ब्रेनस्टॉर्म होगा, क्योंकि इस संडे के क्वेश्चंस मैं सेट कर रहा हूँ। I am setting the questions of history and art and culture. मोस्ट वेलकम है, आप हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जुड़िए। अनअकैडमी का टॉप एजुकेटर प्रतीक नायक मेरा नाम है और मैं आपको फिर से वेलकम करता हूँ आपके अनअकैडमी की एप्लीकेशन के ऊपर और 19 सितंबर 11 बजे कॉम्बैट एग्जामिनेशन के अंदर। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।